ओके गाइस, सो नमस्कार। मेरा नाम है मनोज राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेट सेट एंड पीएचडी इन टूरिज्म। मैं IHM कुफरी में असिस्टेंट लेक्चरर हूं और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो है NCHM सिटी JEE 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि NCHM सिटी क्या है, JEE क्या है और होटल मैनेजमेंट क्या है। पर ये सब बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे ये जो नोटिफिकेशन आई है ये क्या है और इसकी बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि NCHM सिटी क्या है। NCHM सिटी इज योर नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, ये हमारी एपेक्स बॉडी है जो इंडिया में जितने भी IHMs हैं, IHM स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। कुछ सेंट्रल IHM हैं, कुछ स्टेट IHM हैं और कुछ प्राइवेट IHM ने भी NCHM सिटी से एफिलिएशन ले रखी है। तो NCHM सिटी जो है वो हमारी गवर्निंग बॉडी है। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो जो पूरा करिकुलम है हमारे होटल मैनेजमेंट का वो डिसाइड करती है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न है वो ये नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है। अब इससे एफिलिएट जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, कुछ सेंट्रल IHM हैं और कुछ स्टेट IHM हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए या एडमिशन पाने के लिए जो NCHM सिटी है वो हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करती है। एक रिटन एग्जाम होता है, JEE हम उसको बोलते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं NCHM JEE 2020। ओके, तो इसका मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया लेवल का, ठीक है। और मोस्टली जो एग्जाम है वो एवरी ईयर अप्रैल के लास्ट संडे को होता है, ठीक है। और इस एग्जाम में जो बच्चे अपीयर होते हैं उनको एक रैंक मिलता है, क्योंकि इसी ईयर इसमें 45,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। ओके, और 45,000 में जिन बच्चों का रैंक अच्छा आता है, ठीक है, जिनका रैंक अच्छा आता है उन्हीं बच्चों की इस NCHM से एफिलिएट कॉलेजेस में एडमिशन होती है। ओके गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं NCHM JEE 2020 की जो नोटिफिकेशन है वो नेशनल काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं फॉर एडमिशन टू 3 ईयर BSc HHA। तो BSc HHA स्टैंड फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये 3 साल का एक डिग्री प्रोग्राम होता है जो सारे IHM करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी इसको आई थिंक 20-25 डेज हुए हैं आए हुए, ठीक है। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि NCHM JEE 2020 विल बी हेल्ड ऑन 25th अप्रैल 2020। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2020। तो जो उसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, वो जो प्रोसेस है वो शुरू होगा 1 जनवरी 2020 को। ओके गाइस, आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, अभी इसके ऊपर एक स्क्रॉल हो रहा है, हाँ आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखेंगे, इसको पढ़ना है आपने, इसकी बात कर रहा हूं मैं। NCHM JEE 2020 विल बी हेल्ड ऑन 25th अप्रैल 2020, फॉलो द नोटिफिकेशन ऑफ NTA। अब NTA क्या है वो आपको मैं बता दूं। NTA एक बॉडी है और जिसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जुलाई 2018 में इसको बनाया गया था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मेजर एग्जामिनेशंस हैं इंडिया में, जैसे नीट है, कैट है,
यूजीसी नेट है और एनसीएचएम जेई भी अभी इसी के अंडर आता है, तो उन एग्जामिनेशन को ये कंडक्ट करवाता है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आ रहा है कि नाउ वी हैव टू फॉलो द एनटीए वेबसाइट फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। एनसीएचएम ने अपनी साइट पे डाल दिया है कि 25th ऑफ अप्रैल को एग्जाम होगा, ठीक है, और जिसकी रजिस्ट्रेशन 1st of January 2020 को शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद का जो काम है वो कौन करेगा? वो करेगा एनटीए, विच इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तभी तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है फॉलो द नोटिफिकेशन ऑफ एनटीए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एनटीए क्या है। दिस इज द वेबसाइट ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल के हैं, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, ठीक है। जैसे ही इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से लिंक्स बने हुए हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट। यहीं पे आप देखेंगे होटल मैनेजमेंट। ओके, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया इंटरफेस खुला है, होटल मैनेजमेंट एग्जाम। ओके, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो अप्रैल 2019 में एग्जाम हुआ था उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो यहीं पे जैसे आपको मैंने बताया था, आपको मैंने ये पेज दिखाया था, यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन वी नीड टू यू नो फॉलो द एनटीए वेबसाइट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1st January 2020। ओके, तो जब वो स्टार्ट होगी तो उसकी नोटिफिकेशन कहाँ पे आपको आएगी? वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके गाइस, यहीं पे लिख के आएगा फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि आप सभी जानते हैं एनटीए जो एग्जाम करवाता है वो सीबीटी मोड में करवाता है। तो सीबीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम। ओके, सो आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है, और उसकी नोटिफिकेशन 1st of January से पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी दैट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस एग्जाम फॉर NCHM JEE 2020 एग्जाम। ओके, इसी पे आपको लिंक आएगा डाउनलोड NCHM JEE एडमिट कार्ड, ठीक है, और यहीं पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है प्रेस रिलीज NCHM JEE 2019 रिजल्ट, वैसे यहाँ पे लिख के आएगा प्रेस रिलीज NCHM JEE 2020 रिजल्ट। ओके गाइज, तो ये थी नोटिफिकेशन इस NCHM के एग्जाम के बारे में। बाकी इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक रैंक मिलता है, ओके, और उसको बोलते हैं ऑल इंडिया रैंक, और उस रैंक के बेस पे या उस रैंक को बेस मानकर आप किसी भी IHM में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द होटल मैनेजमेंट। ओके, अब जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, वहाँ पे एडमिशन पाने के लिए या वहाँ पे अपने आप को एनरोल करने के लिए आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। आई थिंक इतनी बात आप समझते होंगे कि अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो आपको टॉप कॉलेज मिलेंगे, आपका रैंक अच्छा नहीं होगा तो आपको आपके मनपसंद जो आप ऑप्ट करोगे वो नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो रैंक अच्छा कैसे आएगा? रैंक अच्छा लाने के लिए यू नीड टू स्टडी हार्ड। ओके, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देर आर सम क्रैश कोर्सेज फॉर NCHMCT JEE। तो ये मेरी वेबसाइट है जहां पे आपको क्रैश कोर्सेज मिलेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स फॉर NCHMCT JEE बैच 1 एंड क्रैश कोर्स फॉर NCHMCT JEE बैच 2, दो बैचेस चलाए जाएंगे इस साइट पे। ओके, और जिनकी जैसे फर्स्ट बैच की स्टार्टिंग डेट है 1st of January 2020, जिस दिन आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होगी
उस एग्जाम की, NCHM JEE एग्जाम की, उसी दिन से हमारा फर्स्ट बैच शुरू हो जाएगा और जो सेकंड बैच है वो शुरू होगा हमारा 1 मार्च 2020। ओके, दो बैचेस चलेंगे और दोनों बैचेस की जो ड्यूरेशन है वो फर्स्ट बैच की ड्यूरेशन 60 डेज है, सेकंड बैच की ड्यूरेशन 50 डेज है। गाइस, जिस भी बैच के लिए आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं आप उस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। कुछ चार्जेस रखे गए हैं, 2000 रुपीज़ हैं इस बैच को ज्वाइन करने के, जो कि बहुत ही नॉमिनल रीजनेबल चार्जेस रखे हैं। अगर आप कहीं और देखेंगे ऑफलाइन कोचिंग में या अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो यही फीस आपकी 5000 से लेके 10000 तक भी वेरी करती है। ओके गाइस, इन दोनों बैचेस में, जिस भी बैच में आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं आप उस बैच के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके 10+2 के एग्जाम भी मार्च या अप्रैल में होंगे। ओके, तो आप ऐसे तो है नहीं कि आप टोटली ही इस एग्जाम के लिए डेडिकेट हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो इस BSc HNHA में एडमिशन होनी है दैट डिपेंड्स ऑन योर 10+2 एग्जामिनेशन रिजल्ट। ओके, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना है, वो प्लस टू में भी आपको अच्छे मार्क्स लेके पास होना है और आपको इसमें भी एनरोल करना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अप्रैल के लास्ट में आपका ये एग्जाम होता है NCHM JEE और मार्च के एंड तक आपके 10+2 के एग्जामिनेशन चले होते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने 60 डेज और 50 डेज के दो अलग अलग बैचेस बनाए हैं और इन बैचेस में आपको डेली ओनली 1 आवर की स्टडी करनी है। ओके, 1 घंटा आपको निकालना है अपने प्लस टू के सब्जेक्ट्स के अलावा। ठीक है, अगर आप 1 घंटा निकाल पाए, बिलीव मी, आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे और आपका रैंक अच्छा आएगा और आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। इन कोर्सेज में आपको मिलेगा पूरा का पूरा सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे और जहां पे जरूरत होगी वहां पे वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। ओके गाइस, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी अक्टूबर चला है, नवंबर आने वाला है, दिसंबर है, 2 मंथ्स के अंदर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे। जो आने वाले वीडियोस हैं वो कुछ इस तरह हैं, NCHM JEE का जो सिलेबस है वो पूरा आपको बताया जाएगा। ठीक है, 2 डेमो क्लासेस आपको दी जाएंगी, उन डेमो क्लासेस को देखना कैसे उनमें पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि वो स्टडी टेक्निक आपको हेल्प कर रही है, इन दैट केस यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप यही कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन होता क्या है, बिलीव मी, दिस 2000 इज योर इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। यह आप एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, यह आपके इन्वेस्टमेंट में काउंट होने वाला है, क्योंकि अगर ये कोर्स करके आपका रैंक अच्छा आता है, आपका कॉलेज अच्छा आता है, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और अच्छे से आपकी प्लेसमेंट होती है, तो आपको जॉब भी अच्छी लगने वाली है और आप बहुत अच्छा फ्यूचर में अर्न करने वाले हो। 2000 बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, आप अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइस है, यू कैन कंपेयर विद द अदर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। ओके गाइस, तो आने वाले टाइम में इस पे, इसी चैनल पे वीडियोस आएंगे, उसमें डेमो क्लासेस आएंगी कि कैसे आपकी पूरी स्टडी चलेगी। उसमें एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे आप उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरोगे और कैसे उस एग्ज़ाम में अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक और वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे आप इन दो कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो, क्या उसका प्रोसेस रहेगा। इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें। और जो इस चैनल में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि एक जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।